एवरीवन, वेलकम बैक अपास वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिंग एआई की मदद से कुछ इस प्रकार के इमेज जनरेट करेंगे कि आज के सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप भी इस तरह के इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने गूगल या जो सा क्रोम यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है बिंग एआई इमेज जनरेटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हैं तो साइन इन कर लेना अपने गूगल अकाउंट से या जी मेल से। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना है जिस तरह का आपको इमेज क्रिएट करना है। मैंने पहले लिखा हुआ था, कॉपी किया हुआ था, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है, चंद सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है जो देखने में काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्रोफेशनल इमेज है। और आपको इनमें से कोई इमेज अच्छा लगता है, डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, अगेन बैक आ जाना है। एक बार ना पसंद आने पर आप अगेन क्रिएट कर सकते हैं। और आप इस प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर ट्राई करेंगे बेहतर रिजल्ट के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ येलो है, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वहाँ वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हुडी है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीन्स और शर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना नाम लिखना चाहें या जिसका भी नाम लिखना चाहें कर सकते हैं। देन आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे पिंक है तो मैं इसे करके रेड कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट में चेंजने के बाद आपने अगेन क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, हमारे इमेज क्रिएट हो चुके हैं, काफ़ी बेहतर हैं। ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, आप इस तरह से डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह के आपको कलर अच्छे लगते हैं आपने उस तरह ट्राई कर लेना है। जैसे भी आपको ड्रेसिंग करनी है कर लेना है। इसे इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रॉम्प्ट का लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। अगेन बैक आ जाते हैं, अगेन ट्राई करते हैं। इस बार ब्लैक की जगह मैं ग्रीन कर देता हूँ। जीन्स शर्ट की जगह मैं सिंपल ड्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे नेम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रेसिंग चेंज कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ। अगेन आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें रोड है, आप प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे पार कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट में चेंजने के बाद अगेन आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगेन हमारी इमेज क्रिएट हो चुके हैं जो कि सिंपल ड्रेस में है। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही प्रोफेशनल इमेज है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हैं, ड्रेसिंग भी, प्लेस भी। बस आप प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करते रहना, चेंज चेक करते रहना, जिस तरह से आपको इमेज अच्छा लगे क्रिएट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमारा स्टेप वन कम्प्लीट हुआ। हमने एआई की मदद से इमेज क्रिएट कर ली है। अब इनमें अपना फेस कैसे ऐड करना है, कैसे स्वैप करना है, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है रीमेकर एआई।
सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखें आपको दिखेगा फेस वेब नो, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें फ्रेंड कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे स्वेप फेस है, मल्टीपल फेसेस है, अगर सिंगल फेस है तो स्वेप कर देना, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो मल्टीपल फेसेस कर देना, क्योंकि हमारे पास इमेज क्रिपल में है तो हम मल्टीपल फेसेस कर देते हैं। यहाँ पे देखें फ्रेंड यहाँ पे आपने अपलोड इमेज कर देना है। यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको अपना फेस ऐड करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे आगे स्वैप करनी है, जो आप अपना फेस ऐड करना चाहते हैं तो ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे वो अपलोड करनी है। गाइस इमेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ इमेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ इमेज सेलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ स्वैप पे बटन पे क्लिक कर देना है, चंद सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखें गाइस पहले हमने एआई की मदद से इमेज क्रिएट किया था, उसमें फेस ऐड किया, स्वेप किया। यहाँ पे देखें यहाँ पर मैंने अपना फेस ऐड किया था। डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका इमेज दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। गेम बैक आ जाते हैं, एक और इमेज ट्राई करते हैं। अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिस पे अपने आपने फेस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कर देता हूँ, डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे अपना फेस ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद स्वेप पे क्लिक कर देना है, थोड़ा वेट करना है। तो गाइस यहाँ पे देखें हमारा इमेज दोबारा क्रिएट हो गया। सो गाइस आप भी इस तरह से अपना स्वेप कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।